नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना श्रवण। आज इन वीडियो के माध्यम से मैं मेरे अगले 24 और 25 के प्लेयर को एक मैसेज देना चाहता हूं, या मेरे सफल सेल्स के द्वारा एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि वो सफल कैसे हुए और उनकी सफलता में जो चीज़ें उन्होंने फेस की, वो प्रॉब्लम कैसे मिटी। तो हम चाहते हैं कि जो प्रॉब्लम इनके सामने आई, आप इनके अनुभव को शेयर करें ताकि वो प्रॉब्लम आपको नहीं मिले और आप इनसे अच्छा रिजल्ट बढ़ा सकें। मेरे साथ हम मोहित जांगिड़, आप 12वीं बार से पढ़ के आए, 12वीं का स्कोर आपका 95% है, आपके फादर कारपेंटर हैं और आप फ्रेशर सेलेक्ट हुए। बेटा क्या बात है, आपने पूरी साल में 54 टेस्ट दिए, टेस्ट का एवरेज था 619 और एग्जाम में 675, 620, 675 बोले तो 55 नंबर आपके भी ज़्यादा आए हैं। दोस्तों, सीएलसी के टेस्ट से 50, 60, 100 नंबर तक ज़्यादा हर बच्चे के आते हैं। वही सीएलसी क्वालिटी है कि हर पेपर इतना अच्छा तैयार होता है, सीएलसी का क्लास इतनी बढ़िया होती है कि हमारा बच्चा वहाँ ठगा सा महसूस नहीं होता है। मोहित जांगिड़, आपके पिताजी झुमल जांगिड़ साहब हैं, उनको नमस्कार है मेरा। डीडवाना नागौर के आप रहने वाले हैं और फ्रेशर बच्चे हैं दोस्तों, जबकि आप 11वीं 12वीं स्कूल से करके आए थे। तो प्लीज़, एक बड़ा मैसेज है, जो बच्चे स्कूल से करके आते हैं, कई बार थोड़ा घबराते हैं कि हम तो स्कूल से हैं, हम नहीं आए फाउंडेशन से, ऐसा कुछ नहीं है। और आपका नीट का स्कोर है 675, 675 नंबर के साथ एक अच्छा रिजल्ट आपने बनाया है मात्र एक साल में। तो प्लीज़ मोहित बताएं। मेरा नाम मोहित जांगिड़ है, मैं डीडवाना नागौर का रहने वाला हूँ और इस साल मैंने नीट में 675 मार्क्स प्राप्त किए हैं। इसका पूरा श्रेय मैं बॉस को और बॉस की टीम को देना चाहता हूँ, क्योंकि बॉस की टीम और बॉस बहुत सपोर्टिव है। बॉस ने एंड तक हमारा साथ दिया और लास्ट के जो 55 दिन है, जैसे कि मेरे टेस्ट का एवरेज स्कोर 619 है और मेरा नीट का स्कोर 675 है, तो इतना बड़ा चेंज बॉस के लास्ट के 55 दिनों में ही आया है, क्योंकि बॉस ने पूरा एंड तक साथ दिया और बॉस ने एंड में जो हमें ब्रह्मास्त्र दिया था उसका भी बहुत बड़ा रोल है। ब्रह्मास्त्र का मतलब ये कि हमने लास्ट में एग्जाम के 10 दिन पहले भी इनको 1700 क्वेश्चन हमारे टीम से हाथ से लिखवा के दिए थे, उससे बच्चे की बिल्कुल एक अलग सी उड़ान भर गए थे हमारे बच्चे। और तो बॉस का जो टीचिंग स्टाफ है वो बहुत सपोर्टिव है, वो क्लास में भी सब बच्चों का ध्यान रखते हैं, डाउट सॉल्व करते हैं, आप कहीं पर भी उनको रोक के डाउट पूछ सकते हैं, ब्रेक में भी डाउट पूछ सकते हैं। इस तरह मेरी जर्नी रही। जब मैंने 10th पास की थी तब कोरोना था और मैंने 11th-12th स्कूल से की थी, तो स्कूल में इतना जो बेटा वहाँ अलग व्यवस्था होती है, वहाँ किताबें लिमिटेड होती हैं, सिलेबस भी उनको भी पढ़ाना होता है स्कूल का ही। स्कूल में तो बोर्ड पे ही ध्यान देते थे, तो उस समय मैंने जो 22 की नीट दी थी उसमें मेरा स्कोर 344 ये रहा था। बहुत अच्छी बात, आपका 12th के साथ स्कोर है 334 एक बच्चे के स्कूल के साथ आए, एक साल केवल तैयारी करके 675, तो राउंड फिगर में 325 नंबर का आपने इंक्रीमेंट किया बेटा। ये सब बॉस के कारण हुआ है और बॉस का जो टीचिंग स्टाफ है वही बहुत अच्छा है। अब एक बिल्कुल मैन टू मैन फील्डिंग रखते हैं हमारे साथी। और कोई आपके परिवार के व्यक्ति जुड़े हुए सीएलसी से? नहीं। तो आप पहली बार सीएलसी है, तो आपको किसने बताया सीएलसी के बारे में? जैसे मेरी स्कूल के जो सीनियर थे मेरे, वो उन्होंने सीएलसी ज्वाइन किया तो उनसे, उनके थ्रू मेरे को पता। थैंक यू मोहित। और क्या करना मोहित, तेरे साथ कुछ फ्रेंड्स होंगे क्लास में तो सिलेक्ट नहीं हो पाए, मार्जिन केस पे होंगे, 500 पे होंगे, 550 पे होंगे, उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? समय का खेल है, लास्ट के 3 घंटे जो है वो आपको एकदम अच्छे से करने हैं उस दिन के, नीट के एग्जाम के दिन के, और एंड के दिनों में जो एंड गेम है उसको, उसमें बॉस को पूरा फॉलो करना है और मोटिवेट रहना है। जैसे कि बॉस असेंबली में रोज बोलते थे हनुमान चालीसा के साथ में, उससे बहुत बड़ा फर्क आता। मैं एक बात और करना चाहूँगा मोहित, मुझे याद है 12 मार्च और 13 मार्च 2023 को हमारी दो असेंबली हुई थी, उसमें 55 दिन बचे हुए थे अपने पास, वो 55 दिन हमने जो काम किया 7 मई तक, मुझे कहते बहुत खुशी होती है, वो काम अभी 2024 का स्टार्ट हो चुका है। अभी पता है इस समय भी असेंबली में बच्चा बैठता 3000, अभी कैंप में रात को बच्चा बैठता करीब 3500, तो वो सारा काम हो चुका। बात नहीं कर रहा हूँ, 6 पैक दे दिए, सोल्यूशन मॉड्यूल का दे दिया, जेई मैन का PYQ नीट के बच्चे को देना स्टार्ट हो चुका, और जब तक ये वीडियो लोग सुनेंगे देखेंगे सारा मेटल उसको दे दिया जाएगा। सिर्फ बातें नहीं करते हैं अपन, ये सारा ब्रह्मास्त्र आपको दिया 1700 क्वेश्चन का, इस बार उसको डबल कर देंगे, वो लास्ट में देंगे, 5 मई की नीट है, ये देंगे करीब 10 अप्रैल के आसपास। और आप क्या करना चाहेंगे एक लाइन में, लास्ट लाइन में? मैं टेस्ट की क्वालिटी के बारे में बात करूंगा। जब मैं नीट का टेस्ट दे रहा था तो मेरे को ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि कोई भी क्वेश्चन
जो मैंने CLC के टेस्टों में दिया है उससे बाहर कंसेप्ट कोई आया है ऐसा मेरे को बिल्कुल नहीं लगा। मेरे को ऐसा कुछ क्वेश्चनों में से ऐसा लगा कि जैसे डायरेक्ट टेस्ट के क्वेश्चन आ चुके हैं। क्या बात है। कितने क्वेश्चन जो तेरे सिली मिस्टेक हुए? सिली मिस्टेक तीन तो ओमार गलत, तीन तो ओमार गलत भर दिया। तो ये सुन लो भाई, ये ओमार गलत भरना नहीं करें, बिल्कुल कूल रहें, कंसंट्रेट रहें, और ये पूरी साल का अभ्यास है। इसलिए मैं कहता हूँ आप CLC की असेंबली हमेशा ज्वाइन करते रहें, टेस्ट लें, क्लास लें, असेंबली लें। ओके मोहित, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय सिंह सिंह।